जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट पहली बार जेकेएसएसबी करने जा रही थी। पहले ये काम जो है पुलिस बोर्ड किया करते थे। पहली बार ही ये रिक्रूटमेंट होने वाली थी, 1200 पोस्ट के लिए सिलेक्शन होनी थी और मामला इस समय ये है कि उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया है, उसमें सीबीआई प्रोब रिकमेंड कर दिया गया है और ये मालूम चल गया है कि उसमें स्कैम हुआ था, धांधली हुई थी। अगर जम्मू कश्मीर में और 5 अगस्त 2019 के बाद वाले जम्मू कश्मीर में भी रिक्रूटमेंट में धांधली हो रही है, जिसको लेकर अब बच्चों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि अगर इस मामले में धांधली सामने आई है तो क्या कहा जा सकता है कि पहले जो जेकेएसएसबी ने रिक्रूटमेंट की है उनमें धांधली नहीं हुई होगी, तो ये क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में फिर आया है 5 अगस्त 2019 के बाद। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर एडवोकेट एडवोकेट अभिनव शर्मा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है। अभिनव जी, सबसे पहले मुझे यही बताएं कि इस मामले में तो जो रिकमेंडेशंस आई हैं इंक्वायरी कमेटी की, उससे तो साफ हो गया कि धांधली हुई है। मुझे बताएं, बच्चे अब ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर जेकेएसआई में धांधली हुई है, क्या माना जा सकता है कि एफएए में नहीं हुई होगी? क्या माना जा सकता है उससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई है उनमें नहीं हुई होगी? देखिए पल्लवी जी, जहां तक आपने बात की, जो आप जिनको आप पीएसआई बोलते हैं, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। पीएसआई तब होता है जब कोई सिलेक्ट होकर अपॉइंट होता है, तो पहले 2 साल के लिए वो प्रोबेशन पे होता है, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर। अभी तो ये सिलेक्शन होनी थी, यहां तक बात रही सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन की। शायद आपने मेरा ओपिनियन 2 हफ्ते पहले भी लिया होगा। मैंने आपको कहा था ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, इसमें मनोज द्विवेदी कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी, आर के गोयल प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और अचल सेठी लॉ सेक्रेटरी, यस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मुझे दोनों तरफ से बच्चों के फोन आए, मैं ये नहीं कहूंगा सो कॉल्ड, जो अपने आप को मेरिटोरियस क्लेम करते हैं, और हो सकता है वो मेरिटोरियस हों भी और होंगे भी, और कुछ जो एलिगेशंस अलज कर रहे थे कि ये कमेटी क्या करेगी, ये सरकारी कमेटी है। आपको याद होगा, अगर आप रिट्रीव करें वो इंटरव्यू मेरा, तो मैंने ये कहा था, जितना एडमिनिस्ट्रेशन को मैं जानता हूं, जितनी मुझे नॉलेज है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, मैंने कहा था फॉर्चुनेटली एलजी साहब ने बेस्ट जो स्टफ है, बेस्ट ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स को चुन के इस कमेटी में इंक्लूड किया है। और दोनों तरफ के बच्चों को मैंने कहा था कि आपको, आप अपने जो एप्रीहेंशन है उनको डिस्पेल कर दो कि ये कमेटी के मेंबर्स जो करेंगे वो कानून के मुताबिक और फैक्ट्स के मुताबिक करेंगे, और वही हुआ। अब आपने बात की बाकी सिलेक्शंस की और फायर एंड इमरजेंसी की, फिलहाल तो एफएए की, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, उसकी लिस्ट को लेकर बच्चे जो है डिमांड कर रहे हैं कि लिस्ट जल्दी आए, लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, अच्छा, तो उसको लेकर सवाल ये किए जा रहे हैं कि उसकी लिस्ट अभी आनी है, लेकिन एफएए के साथ ही कंपैरिजन ड्रॉ करके कहा जा रहा था कि जेकेएसआई में स्कैम हुआ है, तो बच्चे अभी कह रहे हैं कि ये कैसे माना जाए कि एफएए में स्कैम नहीं हुआ, फिर उसमें भी जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि अगर लिस्ट नहीं आएगी तो हमारे साथ ना इंसाफी होगी, तो पेंडोरास बॉक्स खुल गया ना कि अब पिछली बार रिक्रूटमेंट भी जितनी हुई है वो भी शक के घेरे में। देखिए एनालॉजी ड्रॉ करना कि अगर एक सिलेक्शन में धांधली हुई है, सभी में हुई है, मैं नहीं कहता नहीं हुई होगी, हो सकती भी है, लेकिन सिर्फ यही कहना चूंकि एक सिलेक्शन गलत निकली है उसमें धांधली है, तो ये प्रिज्यूम कर लो आप कि सारी सिलेक्शंस बैड हैं, ऐसा ना कोई लॉ में प्रिजम्पशन है ना आप फैक्चुअली इसको एस्यूम कर सकते हो। हालांकि अगर इंक्वायरी हो तो शायद हुई हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते चूंकि एक इंक्वायरी एक कमेटी ने एक फाइंडिंग दी है एक सिलेक्शन के रिलेटेड, तो दूसरे सिलेक्शन भी बैड है। हाँ, इंक्वायरी अगर हो तो अगर कुछ उसमें गड़बड़ी होगी वो भी आ सकता है। अब आपको लगता है कि सरकार को जितनी रिक्रूटमेंट्स हुई है उन सभी में अब इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ेगी मालूम करने के लिए कि किसमें धांधली हुई है किसमें नहीं हुई है? ऐसा नहीं है, सब इंस्पेक्टर्स की जो एलिगेशंस लोगों ने लगाई बच्चों ने, मैंने आपको ये भी कहा था कि लगता है उन्होंने कुछ प्रूफ इकट्ठे किए हैं, और वो प्रूफ अगर वो नहीं देते गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करनी थी, राइट। अब यहां तक बात रही कि मैंने आपको ये भी कहा था कि इस कमेटी की जो फाइंडिंग है दैट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट मे एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट मे रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस। और मैंने एक चीज और भी कही थी आपको, ये प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स होंगी, प्रेमा फैशाई
लगता है धांधली हुई है, वही कमेटी ने कहा। अब इन रियलिटी धांधली का लेवल क्या था, डिग्री ऑफ इलीगलिटी कितनी थी, मनी ट्रांजैक्शन हुई है, मनी एक्सचेंज हुई है, पेपर लीक हुआ है, किसने किया है, कहां से हुआ है, कितने उसके बेनिफिशियरी हैं, वो तो अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब इसको पर सवाल नहीं आएगा। अब इस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में हो जाएगा जहां पर चोरी चकारी नहीं होगी, ये धांधलेबाजी नहीं होगी, और ये जो स्कैम्स का सिलसिला चले आता था वो स्कैम्स नहीं हुआ करेंगे। तो बदला क्या जब जेकेएसएसबी जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट करने वाला था, देश की सुरक्षा का मामला है, उस मामले में अगर धांधली हो रही है तो क्या बदला फिर? मैं चाहता था ये सवाल आप मेरे से करें, क्योंकि आपको लगता है, देखिए गुस्सा तो नहीं करेंगे मेरी बात का, मुझे लगता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अभिनव शर्मा को ये सवाल करेंगे तो ये पकड़ा जाएगा, आप जवाब क्या देगा। मैं चाहता था ये आप सवाल करें। देखिए 5 अगस्त 2019 और 30 अक्टूबर 2019, ये दो रेलिवेंट डेट्स हैं, इन दोनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, यूटी बनी थी। 30 अक्टूबर 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, एक्ट आया। पल्लवी जी, अगर ये यूटी नहीं होती, आज सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन की इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठी होती और ना ही सीबीआई को ये मैटर हैंडओवर किया गया होता। कारण बताऊं, पहले ये स्टेट थी, आर्टिकल 370 था, सीबीआई की ज्यूरिसडिक्शन डायरेक्ट जेएनके पे एप्लीकेबल नहीं थी, सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ता था, 500 केस लोग वकीलों ने फाइल किया अभी हाई कोर्ट में है यूटी बनने से पहले कि इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, सीबीआई को हैंडओवर करो, स्टेट अपनी कंसेंट नहीं दे रही। ये चूंकि यूटी बनी है 5 अगस्त 2019 के बाद, तभी इतनी जल्दी ये फाइंडिंग्स आई हैं और तभी इतनी जल्दी ये सीबीआई को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर की जा रही है। अदरवाइज मैं आपको लिख के देता हूं, ये सीबीआई को नहीं जाती। इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी का क्या? सुनिए, इंस्टीट्यूशंस वही हैं, लोग जेएनके के ही हैं, राइट? अब अगर मैं करप्ट हो जाऊं, आप करप्ट हो जाएं और हम दोनों अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मुलाजिम हैं, तो इसमें सरकार का क्या कसूर? चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस होने चाहिए। आगे ना चेक्स एंड बैलेंस, सीबीआई को गया मैटर, यही तो चेंज है। यूटी बनने के बाद सीबीआई को गया मैटर, अब इसमें यह भी देखना है कि एसएसबी के एम्प्लाइज इसमें इन्वॉल्व है या एक एजेंसी जिसको यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसने कोई लीकेज की है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये तो सीबीआई बताएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे भी पब्लिक में आना चाहिए ताकि मालूम तो चले कि किन फैक्ट्स की बुनियाद पर जो है ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं? बिल्कुल आएगी। अभी मेरी आपके पहले सवाल का जवाब मेरा पूरा नहीं हुआ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले 20 साल में, उससे पहले भी, जम्मू कश्मीर में जितनी सिलेक्शंस होती थी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी उसमें टेंटेड होती थी। आप एसएसबी को मत कहिए, जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलेक्शन करता था पहले भी चीफ मिनिस्टर उसको उस पर नजर मारते रहे हैं। एमबीबीएस की सिलेक्शन में आप बोपी करती है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अब तो नीट एग्जाम होते हैं, पहले बोपी करती थी, उससे पहले कंपिटेंट अथॉरिटी करती थी, चीफ मिनिस्टर्स देखते थे कश्मीर से कितने हैं, जम्मू के कितने हैं, अकॉर्डिंगली लिस्ट अप्रूव होती थी। पुलिस का रिक्रूटमेंट बोर्ड जो सिलेक्शन करता था, आप जगमोहन की माय फ्रोजन टर्बुलेंस पढ़ लीजिए, ऑलमोस्ट हर सिलेक्शन में पैसा, हर सिलेक्शन में फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, कंसिडरेशन, रीजनलिज्म, ये एस्पिरेशंस देखी जाती थी। मिनिस्टर्स के डीओ चलते थे, डिफरेंस तो उस टाइम में और इस टाइम में यही है, उस टाइम पे डीओ चलते थे, इस टाइम पे पैसा चलता है। पैसा चलता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन होती, सीबीआई को जाता है केस, सिलेक्शंस कैंसिल होती हैं। अब सिलेक्शन कैंसिल हुई, पहले बताइए कौन सी सिलेक्शन कैंसिल, सिलेक्शंस कैंसिल हुई, इंपैक्ट तो उसका बच्चों पर ही होगा ना, जिनकी एज निकल जाएगी। कोई एज नहीं निकलती, सुनिए बात, हर बात को ना फैक्ट्स पे लेना चाहिए। आज से पहले जम्मू कश्मीर में कितनी सिलेक्शंस कैंसिल हुई मुझे एक बताइए, जेके बैंक, कौन सी जेके बैंक, किसने करवाई, किसने करवाई? वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी के समय में रिक्रूटमेंट का यही डर रहता है कि हम एग्जाम में अपेयर होते हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट कैंसिल। अगर आपका भाई 90% लेके सिलेक्ट ना हो और मेरा भाई 40% लेके पैसा लेके सिलेक्ट हो जाए, वो सिलेक्शन अप्रूव होनी चाहिए या कैंसिल होनी चाहिए, बताइए आप बताइए। अगर आपका भाई
90% लेके पैसा नहीं दिया, नहीं सिलेक्ट हुआ। मेरा भाई 40% लेके पैसा देके सिलेक्ट हुआ, वो सिलेक्शन अप्रूव करनी चाहिए गवर्नमेंट ने या कैंसिल करनी चाहिए? लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और लोगों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है यूथ के बीच में, कि अगर किसी मामले में धांधली हुई, बच्चे अगर सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट हुआ, तो ही इंक्वायरी होगी, वरना इंक्वायरी नहीं होगी। मीडिया का दायित्व बनता है जो सच्चाई है उसको बताया जाए। अब अगर सिलेक्शन गलत है तो बच्चे चाहे सड़कों पे हो चाहे आसमान पे हो, मेरिटोरियस मेरिट के साथ इंसाफ होना चाहिए। सिलेक्शन एजेंसीज का मतलब ही यही होता है कि मेरिटोरियस बच्चे आपने सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने मेरिट पे बच्चे नहीं सिलेक्ट करने तो फिर एसएसआरबी और जेएनके पीएससी कंस्टिट्यूट करने का पर्पस क्या है, मुझे बताइए। अब दोनों मामलों में अगर देखा जाए, जेके बैंक में भी और इसमें भी, जो मेरिट के हिसाब से जिनका क्लेम ये है कि हम लिस्ट में आए हैं, हमने एग्जाम खुद लाइक अपने हार्डवर्क के बेसिस पर दिया था, हम सिलेक्ट हुए हैं, उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि हम क्या बार बार एग्जाम ही देते रहे, एक बार एग्जाम दिया मालूम चला धांधली है, हमारा कोई कसूर नहीं, हमने मेहनत करके एग्जाम दिया था, एग्जाम रिक्रूटमेंट कैंसिल होगी। अब हमारा जो गैप पड़ चुका है, जिस समय हमने 6 महीने लगातार पढ़ाई करके पेपर दिया था और आज के समय में, और एग्जाम का भी डिफरेंस है कि आपका उस टाइम पे पेपर किस तरीके का आया था, इस टाइम पर आपका पेपर किस तरीके का आएगा, उसमें मेरे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसके हिसाब से मेरा मेरिट बना था, इसमें मेरे हो सकता है वो सवाल ना आए हों। तो उन मेरिटोरियस बच्चों का क्या, जो अभी कह रहे हैं कि इस जम्मू कश्मीर में, नए जम्मू कश्मीर में जितनी रिक्रूटमेंट्स होंगी, हमें तो डर ही लगा रहेगा कि ये रिक्रूटमेंट होगी भी, लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी। एक डर दो प्रकार के हैं, एक डर उन बच्चों को जो मेरिटोरियस आप कह रहे हैं, एक डर अब जो लोग पैसे खाते हैं, जो लोग धांधली करते हैं, ये एक डेटरेंट है उनके लिए। देखिए ये पहला स्टेप है, इसके बाद आगे लोग सोचेंगे। अब कही आपने मेरिटोरियस बच्चों की बात, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने पूछा था अभिनव जी क्या ये सारी सिलेक्शन कैंसिल होगी, मैंने ये कहा था ये कमेटी दो तरह की रिकमेंडेशन कर सकती है। अगर इनको लगा कि धांधली का लेवल बहुत ज्यादा है तो ये सिलेक्शन कैंसिलेशन की रिकमेंडेशन भी कर सकती है। अगर इनको लगा कि धांधली हुई है लेकिन हमारे पास कुछ कंक्रीट प्रूफ नहीं आए तो ये गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि इसमें एसीबी की इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, या सीबीआई की हो। लेकिन जो भी आपने, मैंने आपके माध्यम से, बाकी चैनलों के माध्यम से देखा कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि सिलेक्शन कैंसिल हो जाए। अब सिलेक्शन कैंसिलेशन की अगर रिकमेंडेशन है तो उस कमेटी को कोई प्रूफ मिले होंगे कि पेपर लीक हुआ है, पैसा एक्सचेंज हुआ है, राइट। अब ये कमेटी क्रिमिनलिटी का एंगल रिकमेंड किया कि सीबीआई को इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर की जाए। अब वो सीबीआई देखेगी कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। आपका क्वेश्चन कि मेरिटोरियस बच्चे, देखिए सुप्रीम कोर्ट की 2-3 जजमेंट्स हैं। सबसे पहले जजमेंट आई थी जब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मिस्टर सिद्धू अरेस्ट हुए थे, वहां पेपर लीकेज हुई थी, वहां गड़बड़ी हुई थी, मास कॉपिंग हुई थी, शायद पेपर लीकेज वाला इशू मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मास कॉपिंग थी। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पूरी सिलेक्शन कैंसिल नहीं कर सकते, आपको केस टू केस हर एक कैंडिडेट को एग्जामिन करना पड़ेगा कि कौन कौन इस धांधली का बेनिफिशियरी है, कौन कौन बेनिफिशियरी नहीं है। जो बेनिफिशियरी है उसकी ये सिलेक्शन तो हुई नहीं है, ये तो रिटर्न टेस्ट था, हुआ है सिर्फ, उसका कैंसिल होना है। जो बेनिफिशियरी नहीं है उसका कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन कई बार धांधली का लेवल इतना बड़ा होता है कि यह डिटरमिन करना कि कौन बेनिफिशियरी है कौन नहीं है, ऐसे केसेस में पूरी सिलेक्शन भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि फिर यह इम्पॉसिबल टास्क होता है। अब अगर एक मिनट मेरी बात बताइए, अगर तो यह साबित हुआ कि पेपर लीक हुआ है, किसी ने पैसा देके पेपर लीक किया है, फिर यह आप कैसे बता सकते हैं कि यह पेपर लीकेज एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन तक लिमिट रहा, आगे नहीं गया? जब लीकेज हुई तो कितने हैंड एक्सचेंज हुए होंगे, तो ये डिपेंड करता है आप सीबीआई इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन मेरिटोरियस बच्चों को मैं फिर भी कहूं, मैं तो यही चाहता हूं कि इसमें, जैसे मैं पहले एक टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द शेफ, गेहूं के साथ गुण नहीं पिसना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि वह बच जाए। लेकिन अगर दानली बड़ी है तो कई बार गुन भी पिस जाता है। ये मेरी सहानुभूति बच्चों के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जेएनके बैंक के मामले में भी बताया नहीं गया धांधली क्या हुई है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले हैं, रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई, दोबारा रिक्रूटमेंट हुई। उसमें भी बच्चों ने कहा कि अगर पहले भी एग्जाम आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया था और ये एग्जाम भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाएगी, क्या
लाइक किस तरीके से ये माना जाए कि दोबारा धांधली नहीं होगी? उसी तरीके से तब भी जेके एसएसबी ने एग्जाम करवाया था, अब री एग्जामिनेशन भी जब होगा तो यही जो प्रोसीजर है जेके एसएसबी ही दोबारा करवाएगी। क्या पॉसिबिलिटी है कि जब पहले इतने मैग्नीट्यूड पर धांधली हो गई दोबारा धांधली नहीं होगी? जेके बैंक में धांधली की एलिगेशन नहीं थी, मैंने वो इशू भी डील किया है। जेके बैंक में इशू यह था कि जेके बैंक में जो एक पीएनबी होता है वो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट नहीं होती। जेएनके का बैंक का एक पीएन आप जम्मू से लेके मुंबई ट्रांसफर कर सकते हो, क्लर्क भी, प्रोबेशनरी ऑफिसर भी, मैनेजर भी। इशू यह हुआ कि क्या सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी चाहिए, उसकी सिलेक्शन स्टेट एज ए यूनिट बना के उसका मेरिट डिटरमिन होना चाहिए था, जो परवेज मलिक नहीं माने इसलिए वो सिलेक्शन कैंसिल हुई। साथ में उसमें रिजर्वेशन रूल जो है एससी एसटी एएलसी वगैरह को वो फॉलो नहीं किया गया था, उसका ये रीजन था। यहां तक आपने बात की कि दोबारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम करेगा दोबारा, मैं कह रहा हूं अभी ये डिटरमिन होना है, इन्वेस्टिगेट होना है कि बोर्ड के मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व है या एजेंसी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके मुलाजिम इसमें मुलविज है, ये तो अभी डिटरमिन होना है। और अगर कोई भी हुआ दोनों में से, ये पहली बार हुआ है जेएनके की हिस्ट्री में एक एक सिलेक्शन कैंसिल हुई है और सीबीआई को मैटर हैंडओवर किया गया है। जब तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी तब तक रीएग्जामिनेशन नहीं होगा। आपको इसको इस तरह से लेना चाहिए कि आपको बच्चों को, यूथ को ये अश्योर, मतलब एक आपको उनको अश्योर करना चाहिए आगे से इस एक्शन के बाद जो एलजी साहब ने किया है, बच्चों को पूरा यकीन होना चाहिए कि आज के बाद कोई भी एजेंसी, कोई भी मुलाजिम अब गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक सीबीआई का प्रूफ मुकम्मल नहीं होगा तब तक क्या री एग्जामिनेशन नहीं होगा? ये देखिए दो चीजें हैं, अभी आपने ट्वीट देखा एलजी साहब का, एलजी साहब का ट्वीट इज नॉट द डिसीजन, इट मस्ट बी कन्वेंस ऑफ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट्स। अब डिसीजन गवर्नमेंट का तब होगा जब एक गवर्नमेंट ऑर्डर इसमें बाहर आएगा। अब गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या क्या लिखते हैं, द सिलेक्शन दैट इज द रिटन टेस्ट कंडक्टेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर्स पोस्ट नंबर 2 1200 इज हेयर बाई कैंसल्ड। अगर तो ऐसा यूज होता है तो कैंसल, फिर री एग्जाम होना है। अगर वो लिखते हैं नहीं कैंसल्ड बट री एग्जामिनेशन वेदर टू बी कंडक्टेड और नॉट शेल डिपेंड अपॉन द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये भी हो सकता है। अब सिर्फ कैंसिल किया है या री एग्जामिनेशन का भी ऑर्डर किया है या इन्वेस्टिगेशन का वेट करेंगे, इस पे डिपेंड करता है। मैं तो आप देखिए, आपने दूसरा इशू नहीं छेड़ा, मैं सोच रहा था कि आप फायर एंड इमरजेंसी का इशू भी छेड़ेंगे। मैंने ये कहा ना, पेंडोरास बॉक्स तो खुल चुका है कि एक एग्जामिनेशन अगर शक के घेरे में है तो बाकी जितनी एग्जामिनेशंस है अब हर एक को लेकर जो है जनता तो यही कहेगी हो सकता है इसमें भी धांधली हुई हो सकता है उसमें भी धांधली हुई। बात फायर एंड इमरजेंसी की सिलेक्शन तो जेएनके एसएसआरबी ने नहीं की, वो पुलिस का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड है। यहां गवर्नर साहब ने कमेटी को 15 दिन दिए थे, कमेटी ने 28 दिन लगाए, 27 दिन लगाए, कुछ इतने लगाए। मैं कहता हूं अगर आप फायर एंड इमरजेंसी के केसेस में इंक्वायरी बिठाएंगे वो 28 घंटे में डिटरमिन करेंगे, फाइंडिंग देंगे कि इससे भी बड़ा फ्रॉड वहां हुआ है। मुझे बताइए फायर एंड इमरजेंसी में क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन डिस्क्लोज किया गया 63 मार्क्स रिटर्न के, 5 मैट्रिक के, 5 10+2 के, 5 ग्रेजुएशन के, 20 इंटरव्यू के, राइट? इसका मतलब यह था क्वालिफिकेशन 8 थी, 8 से ज्यादा जो अगर बच्चा ग्रेजुएट होगा उसको 15 मार्क एडिशनल मिलने हैं। अब इन्होंने क्या किया, यह सिलेक्शन प्रोसेस 2 बार गवर्नमेंट ने खुद कैंसिल किया कि इसमें धांधली हुई है, पेपर लीकेज हुई है, मास कॉपिंग हुई है, गैजेट्स यूज हुए हैं, मोबाइल फोन यूज हुए हैं, 2 बार गवर्नमेंट ने खुद कैंसिल किया, और तीसरी बार क्राइटेरिया चेंज कर दिया कि आपको ना मैट्रिक के मार्क मिलेंगे 5, ना 10+2 के, ना ग्रेजुएशन के। मतलब क्या है, आपने कमिटमेंट की थी, आपने गारंटी दी थी उनको जो 8th पास थे कि हमने आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो वो अगर वो क्राइटेरिया चेंज नहीं करते 8th वाले नहीं आने थे, क्योंकि 15 मार्क्स एंड ब्लॉक जो है एक ग्रेजुएट ने एक्स्ट्रा लेने थे। दूसरा क्या किया, सिलेक्शन लिस्ट निकलती है 3 अक्टूबर 2020 को सैटरडे को, किसी पेपर में पब्लिश नहीं होती, बाकी हर एक नोटिस इस इलेक्शन का पेपर में पब्लिश हुआ है, और जब मेन सिलेक्ट लिस्ट जो मेन डिसीजन है वो पेपर में पब्लिश नहीं होता, अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पे, और संडे को 4 अक्टूबर 2020 को अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो जाता है। और अपॉइंटमेंट ऑर्डर में जेएनके की हिस्ट्री में जब से
हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जेएनके गवर्नमेंट ने जितने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स किए हैं उसमें अपॉइंटिस को 21 दिन का ज्वाइनिंग का टाइम मिलता है। इसमें चार को अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकला, कहते हैं पांच को ज्वाइन करो, और एक क्लास ये भी रखी, अगर आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल अगर नहीं भी है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट लेके आइए तब भी ज्वाइन कर लो। इसके आगे एक बाप के चार बच्चे, चार में से दो के सेम नंबर, चार के चार बड़गाम के, फायरमैन में 332 या 334 की सिलेक्ट लिस्ट निकली जनरल कैटेगरी में, उसमें से तकरीबन 100 बच्चे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से, वो कितने हुए, ऑलमोस्ट 35% या 33%, एक डिस्ट्रिक्ट के 33% और 19 डिस्ट्रिक्ट के 66%, और पूरे जम्मू डिवीजन के टोटल 56 बच्चे, 10 जिलों के 56 बच्चे और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के 100 बच्चे। इसे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए, बच्चों के पास एफिडेविट्स हैं उन बच्चों के जिन्होंने पैसे देके पेपर परचेज किए, बच्चों के पास स्क्रीनशॉट है कि एक दिन पहले पेपर लीक हुआ है। अब उसमें इंक्वायरी क्यों नहीं होती, अगर उसमें इंक्वायरी हो मैं कहता हूं 28 दिन तो क्या, 28 दिन में सिलेक्शन कैंसिल हो। अब उसमें इंक्वायरी क्यों नहीं होती, अब तो यूनियन टेरिटरी, अब तो स्टेट भी नहीं, अब तो चीफ मिनिस्टर का दाड़ा भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है, या वो बच्चे इमैच्योर थे, सिलेक्शन हो गई, अपॉइंटमेंट हो गई, किसी ने उसको रेज नहीं किया इशू को, मीडिया ने भी थोड़ी सी तवज्जो दी लेकिन बाद में वो इशू जो है वो डाइवर्ट हो गया, जितनी तवज्जो इसको मिली है इशू को इतनी उनको मिली होती आज उनकी सिलेक्शन कैंसिल हो गई होती। आखिर में समझना चाहूंगी कि फिर मामला आता है एज रिलैक्सेशन का, और एज रिलैक्सेशन का मामला भी इसीलिए आता है, आपने भी देखा कि सब इंस्पेक्टर के लिए जिन बच्चों ने एज रिलैक्सेशन की मांग की थी उन्होंने बताया था कि ये रिक्रूटमेंट जो है हो नहीं रही है हर साल जिस तरीके से होनी चाहिए, इस वजह से हम एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। अब कुछ बच्चे जो है वो कैट में गए थे, उन्हें उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जो है एज रिलैक्सेशन कैट ने फिलहाल एग्जाम में अपेयर होने के लिए दी थी, अभी लिस्ट उनकी जो है आने के लिए फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ था। अब उन बच्चों का ये सवाल है, अब हम क्या करें, दोबारा वकील के पास जाएं, दोबारा केस करें जब री एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन निकलती है, दोबारा मेहनत करें कि हमें भी जो है एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमारी उम्र तो और ज्यादा निकलती जा रही है, और सरकार भी जब डिसाइड करेगी कि भाई एग्जाम अगर रिकंडक्ट भी करवाना है तो उन्होंने तो वही एज कंसिडर करनी है जिस एज पर उन्होंने पिछली बार एग्री किया था। देखिए जो बच्चे एक बार फॉर्म भर चुके हैं 30 तक जिनकी एज थी, 2 साल एक्सीड एनहांस हुई ना एज, जो बच्चे 30 साल से कम थे जब ये फॉर्म भरे गए थे लास्ट कट ऑफ डेट पे, अब चाहे ये इन पोस्टों का एग्जाम 6 महीने के बाद हो या 6 साल के बाद हो, वो एलिजिबल ही रहेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी कहीं डिस्प्यूट नहीं होगी। बाकी आखिर में मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को एक बात और कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर रेफरेंस ऑफ वैकेंसी रूल्स 2005 स्टैचुटरी रूल्स हैं, SRO है 161 ऑफ 2005, 161 के 166, जिसमें लिखा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉन गेस्टेड से लेके गेस्टेड तक पीएन की हर पोस्ट की साल में एक बार होनी चाहिए, और जिस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो नहीं इंश्योर करता उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, और जो लोग सर्विस करते हैं उनकी डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है साल में 2 बार होनी चाहिए, उन्हीं रूल्स में लिखा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी स्टेट में जूनियर इंजीनियर इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर प्रमोट होता है, फिर वो इंचार्ज AEE बनता है, फिर वो इंचार्ज एक्सिन बनता है, इंचार्ज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इंचार्ज चीफ इंजीनियर रिटायर होता है, पेंशन लेता है जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि तनख्वाह को किसी की जरूरत ही नहीं है इस स्टेट में, समझ गया अब मैं क्या कहना चाहता हूं। पेंशन तब ज्यादा आती है जब कुर्सी छोड़ते हैं, जब कुर्सी पे वो होते हैं तब पेंशन तो उनके लिए एक सेकेंडरी इशू होता है। तो इसलिए इस स्टेट में कानून की हमेशा ही धज्जियां उड़ती रही हैं, अब जाके थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन लोग कह रहे हैं जी 5 अगस्त 2019 के बाद क्या बदला, बदला ये CBI को गई इन्वेस्टिगेशन, सिलेक्शन हुई कैंसिल, बताइए मुझे एक प्रूफ 1947 से लेके जुलाई 2022 तक इससे पहले कोई सिलेक्शन कैंसिल हुई हो या CBI को गया हो मैटर, सारे स्कैम जो हैं ठंडे बस्ते में रहे हैं, ये है 5 अगस्त 2019 के बाद बदलाव। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि एडवोकेट अभिनव शर्मा का ये कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद बदलाव ये है कि स्कैम अभी भी होते हैं लेकिन स्कैम का मालूम बच्चों को चल जाता है, स्कैम को लेकर इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर हो जाती है, और वहीं जहां पर बात है कि पेंडोरास बॉक्स जरूर खुल चुका है जहां पर
अब जितने भी युवा जिन्होंने जेकेएसएसबी में फॉर्म लगाए थे, अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए जिन्होंने अपेयर हुए हैं एग्जाम्स में और लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में अब ये डर और घबराहट है कि हमारी लिस्ट आएगी या इस मामले में भी कोई स्कैम निकल आएगा। वहीं जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में जिन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया था, जो अभी कई सारे लोग उसमें सिलेक्ट भी हो चुके हैं, अपॉइंट भी हो चुके हैं, उनका ये कहना है कि हमारे मामले में भी इंक्वायरी होनी चाहिए अगर सब इंस्पेक्टर के मामले में इंक्वायरी हुई है। और वहीं रह गए वो बाकी सारे नौजवान जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनका अब ये कहना है कि हम अभी इंतजार में ही हैं कि जब जेकेएसएसबी कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है, अब हम फॉर्म भरे या ना भरे, इस नए जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट कोई मुकम्मल होनी भी है या नहीं।